नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, अगर आप जब लैट्रिन करने जाते हैं, जब आप पॉटी करने जाते हैं तो आपके लैट्रिन के रास्ते पर सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन के रास्ते पर दर्द होता है। लैट्रिन करते समय जलन होती है, चुभन होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कांटे से आप लैट्रिन के रास्ते पर चुभा दिए हों। लैट्रिन करते समय लैट्रिन में ब्लड आता है, खून आता है, तो आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसकी सहायता से आप पाइल्स को कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पाइल्स की समस्या बरसों पुरानी भी क्यों ना हो, तब आप इस मेडिसिन की सहायता से उसको बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन P13 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो P13 मेडिसिन होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 30 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी MRP के बारे में तो ₹150 इस पर MRP आती है, और जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में कंपनी आती है PHBL, जिसको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, तो उसके द्वारा इस मेडिसिन को बनाया जाता है या इस कंपनी के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसका मेन यूज़ होता है वो पाइल्स के लिए होता है, बवासीर के लिए होता है। अगर आप में से किसी को बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, जो पाइल्स है वह बरसों पुराना हो गया हो, कई सालों से आपको बवासीर की समस्या है, जो बवासीर है वह अपनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, जो आपका लैट्रिन का रास्ता है वहाँ पर मस्से बन गए हों, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन P13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों, इसका अगले यूज होता है पेन ड्यूरिंग स्टूल। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब वह लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन के रास्ते उनको दर्द होता है, लैट्रिन करते समय दर्द होता है, या लैट्रिन करने से पहले जब वह जोर लगाते हैं लैट्रिन के लिए तब लैट्रिन के रास्ते दर्द होता है, या लैट्रिन करने के घंटों घंटों बाद तक अगर किसी के लैट्रिन के रास्ते पर दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन P13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगले यूज होता है वर्निंग इन एनस। दोस्तों, जो लैट्रिन का रास्ता होता है, अगर वहाँ पर किसी को जलन रहती है, चुभन रहती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लैट्रिन के रास्ते पे कांटे चुभा दिए हो, किसी ने लैट्रिन के रास्ते पे कांच चुभा दिया हो, तो इस प्रकार के सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन P13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगला यूज़ होता है इचिंग इन एनस। दोस्तों, अगर किसी को लैट्रिन के रास्ते पर खुजली रहती है तो खुजली की समस्या को भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, जो लैट्रिन है बहुत ज़्यादा टाइट आती है, या जो लैट्रिन है वह कई कई दिनों में आपको आती है, तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही दिनों में। दोस्तों, बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन की सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों, इसमें पहली मेडिसिन होती है एस्कुलस, उससे अगली होती है कोलिनसोनिया, हेमामेलिस होती है, हाइपेरिकम होती है, थूजा होती है, नक्स भूमिका होती है, रेटेनिया होती है, काली म्यूल जैसी अच्छी और इफेक्टिव दवाओं से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी को पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, लैट्रिन करते समय दर्द होता है, जलन होती है, चुभन होती है, खुजली होती है, तो उसको आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से अगर किसी को पाइल्स की समस्या हो, आपके परिवार में किसी को, आपके दोस्तों में हो, आपके कलीग्स को, आपकी जान पहचान में अगर किसी को इस प्रकार की समस्या हो रही है, तब आप उनके लिए इस मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं, या आप उनके लिए इस मेडिसिन की एडवाइस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।